यूपी में भी इसका विषय चला, आसाम में भी चला है, ये पूरे देश में होना चाहिए। नहीं तो जो वास्तव में अपने देश की जनता है वो विकास से दूर होती जा रही है, दूर होती है। कितनी भी सुविधाएं दो लेकिन इनके पास बाद में पहुंचती, लोग राजनीति कर करके उनको पाल रहे हैं और वोट ले रहे हैं जो जहाँ के हैं ही नहीं। उनके राशन कार्ड बंगाल में देखिए, है ना, वहाँ राशन कार्ड बनवा दिए, उनके दम पे आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे देश की ही जनता होगी तो उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। ये तमाम प्रकार के लोग जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये यहाँ पल रहे पोस रहे हैं, देशद्रोही हैं ये लोग, और उनको यहाँ राशन कार्ड बनवा दिया, इनको यहाँ फैला दिया। भोपाल में मैंने जानकारी हुई मुझे कि भोपाल में भी रोहिंग्या आ चुके हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है और समान आचार संहिता आना ही चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। अंतिम सवाल, कुछ धर्म तो ये तक कहते हैं दीदी कि आप बढ़ाना यहाँ पर चाहिए, कुछ पंथ जी, धर्म तो सनातन धर्म है और कोई धर्म होता ही। ये तक सोशल मीडिया पे आ रहा है कि टीएमसी के 26 विधायक जो हैं वो रोहिंग्या हैं, ऐसी मामले सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, क्या कुछ जाएगी यदि ऐसा कुछ है, अगर इस प्रकार की कोई घटनाएं आती तो उसकी जांच की जाएगी।